कस्बा दड़ियाल में राशन वितरण सामग्री कम देने को लेकर राशन डीलर और उपभोक्ताओं के बीच कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि उपभोक्ता ने 100 नंबर पर फोन कर दिया, जिस पर वहां पर अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारी को देखकर वहां पर पथराव हो गया, जिसमें दो लोग बुरी तरीके से चोटिल हो गए और दोनों को गंभीर अवस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जबकि राशन डीलर के दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि कस्बा दड़ियाल के ग्राम दमन में राशन की दुकान स्थित है। आज राशन की दुकान पर शादान पुत्र पीरबख्श व अब्बास पुत्र पीरबख्श दोनों भाई राशन लेने के लिए नजरुद्दीन पुत्र सूखा की दुकान पर गए। आरोपी की राशन डीलर ने राशन सामग्री मानक के अनुसार कम दी, जिस पर उन्होंने इसकी शिकायत 100 नंबर पर कर दी, जिससे वहां पर पुलिस प्रशासन व प्रशासनिक अमला आ गया। इसी को लेकर वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और पत्थरबाजी होने लगी, जिसमें शादान व अब्बास गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों घायलों को पुलिस ने यहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। जबकि कोटा डीलर नजरुद्दीन शाबिर पुत्र सूखा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रामपुर से फिरोज खान की रिपोर्ट। तो पीर बात घर को आए भाग के लड़का पीर भगत से हुआ था। हाँ झगड़ा पीर भगत से हुआ, इमाम भगत घर नहीं है। तो पीर भगत घर को आए भाग के तो बोला देख के रखा तमंचा गोली मार दूंगा। अभी घर को आए भाग के तो लड़का है उनका, तो प्यार जरा वो जाकर खड़ा हो गया तो उस पर आधे बरसा दिए। वो तो बच गया, छोटा बच्चा हमारा घर में घेर का सामान गया। पब्लिक शिकायत कर रही है, बवाल हुआ है जो सारा ये मामला हुआ। ये क्या बात की सारी? पीर भगत ने कही थी नाच क्यों कम बांट रहा भाई, पूरा बांट दे, पब्लिक का पेट क्यों काट रहा है, बते ही दिन हो गए खाते हुए। तो भैया इस बात पे जो वो के बोला तू मत बोल बीच में, अना हर बार में मैं सही तो दे रही हूँ, ऐसा और वैसा। इस बात पे जो इनने बवाल चालू कर दिया, तमंचा इसकी उसमें रखा, बोला ना यहाँ से चला जाए, इसे मैं इंसानियत है ना, अना गोली मार दूँ। तो भैया ये आया है तो इसका बच्चा था घर, तो एकदम से औरतों ने मैं इन्होंने सबने अधे बरसाना चालू कर दिया। घर है बहुत दूर उधर है, नाच लेने आया था, तुम्हारी ले तुम्हारी।